नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तान में उथल पुथल मचा हुआ है और जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से इमरान खान के घर पर हलचल तेज हो गई है। इमरान खान के घर आतंकियों की तलाश के लिए पाकिस्तानी फौज तैयार खड़ी है। जमा पार्क को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इमरान के घर 40 आतंकियों के छिपे होने की बात सामने आई थी और दावा किया गया कि 14 आतंकी पकड़े जा चुके हैं और बाकी की तलाश में 400 सुरक्षा कर्मियों की टीम घर में घुसने को तैयार खड़ी है। उससे पहले पंजाब सरकार का डेलीगेशन इमरान से मिलने जाएगा और इमरान से बातचीत के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। किसी भी वक्त इमरान के घर फौज धावा बोल सकती है। करीब 26 आतंकियों की अभी भी तलाश की बात कही जा रही है। पंजाब सरकार ने दावा किया कि जो आतंकी इमरान के घर में छिपे हैं वो तालिबान की तर्ज पर ट्रेंड मिलिटेंट है और इन्होंने ही पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंका है। वहीं थोड़ी देर पर थोड़े ये केस में कोर्ट से इमरान खान को राहत भी मिली है। तो कुल मिलाकर भले ही कोर्ट से राहत मिली हो, लेकिन इस वक्त इमरान खान के घर के बाहर फोर्स जमा है। 400 की तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और वो किसी भी वक्त इमरान खान के घर पर दाखिल हो सकते हैं। तीस से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहायशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। जहां तक अल्टीमेटली बात है तो गिरफ्तारी तो उसकी होनी ही होनी है जब केसेस उसके खिलाफ हैं। लोग शहीद हुए, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था। आतंकिस्तान में कोहराम, आखिरी गेंद तक चैलेंज का ऐलान। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था और आखिरी गेंद तक लड़ना। इमरान के घर आतंकी, फाइनल राउंड की तैयारी। जहां तक अल्टीमेटली बात है तो गिरफ्तारी तो उसकी होनी ही होनी है जब केसेस उसके खिलाफ हैं। आतंकियों को पालने वाले दहशतगर्दों की तलाश में जुटे। अभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं। इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है और आपके सामने पेश भी किया है। अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं और इनकी तफसील में इंटेरोगेशन होगी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में फुल सियासी ड्रामा जारी है। आतंकियों को पालने पहुंचने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान अब दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए आतंकियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ इमरान खान ने भी आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान कर दिया है। हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में कभी इस तरह की सख्ती नहीं थी। ये तो मुझे नहीं पता ज़ियाउल हक़ के दौर में हुई हो। वैसे हमने तो नहीं देखी पिछले 35 साल इस तरह का क्रैकडाउन, हमने नहीं देखा। इससे तो लगता है कि सारी सिविल लिबर्टी, सारी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। बस अब तो सिर्फ अदलिया रह गई है जो कि लोगों के इंसानी हकूक की थोक हिफाजत कर रही है। बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो जिसको मर्जी उठा लो, जब जब चाहो किसी को उठा लो। तो खान साहब, आप अजम जवान हैं, अभी भी आपका पुर अजम है और डटकर खड़े हैं आप। जितने मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पेशियां हैं। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था और आखिरी गेंद तक लड़ने। पाकिस्तानी सरकार और फौज एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ इमरान खान। सेना ललकार रही है, इमरान के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो वहीं इमरान खान पाकिस्तान की सियासी पिच पर डटे हुए हैं और अपनी ही फौज पर कत्लेआम का आरोप मढ़ रहे हैं। और कभी भी किसी महजब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए हैं, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था। पूरा मन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी का पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तरीके इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है। तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने लोग
कितने और शहीद हुए हैं, हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरीज ज्यादा है। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी इसके अंदर एक मुनज्जम साजिश आपको नजर आएगी, प्लान किया हुआ था सब कुछ। इमरान खान पर 40 आतंकियों को घर में छिपाने का आरोप है। अब तक 14 आतंकियों के पकड़े जाने का दावा किया गया है। बाकी बचे आतंकियों की तलाश में इमरान के घर को फौज ने घेर लिया है। पंजाब सूबे की सरकार के मुताबिक ये आतंकी तालिबान की तर्ज पर ट्रेंड है और पाकिस्तान में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल रहे हैं। वो क्योंकि आपने सबने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लेश्निकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लेश्निकोव्स मिली और पता नहीं कोई और कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो कोई वो पेट्रोल बम थे। तो किसी अब यहां कोई आदमी नहीं था, तो किसको पता है कि वो यहां अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहां बैठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए, इसलिए आपके आने की वजह से ये रुक गया। इमरान खान खुद को पाक साफ बताने में जुटे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार फाइनल एक्शन का प्लान तैयार कर चुकी है। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि इमरान की गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। ये दरअसल इस किस्म के ब्लफ जो है ना, ये शुरू से आदी हैं। आप इनकी देख लें, कभी ये अपने कत्ल होने की जो है वो खबर देते हैं, कभी कत्ल की साजिश जो है वो कहते हैं कि 5 लोगों ने बना ली है और मैंने उनके नाम वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करवा के रख दिए हैं। तो ये ऐसे ब्लफ्स करने का जो है ना, ये आदि मुजरम है। अदालत को ये तारीखी अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ जो है इसे क्लोज करना होगा, वरना तो ये बहुत बुरी मिसाल जो है वो कैम हो गई है। तो जहाँ तक अल्टीमेटली बात है, तो गिरफ्तारी तो उसकी होनी ही होनी है जब केसेस उसके खिलाफ हैं और इतने वो यानी ओपन शट केस हैं, बिल्कुल हर चीज़ साबित है, डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें उनको फेस तो करना चाहिए। और फिर वैसे भी लोगों को गिरफ्तार वो इतने शौक से करवाया करते थे, जेल का भी हिसाब रखते थे कि किसको दवाई मिल रही है नहीं मिल रही, कौन ज़मीन पे सो रहा है, किसको चारपाई मिली है, एसीयों का वो ख्याल, वो इन्फॉर्मेशन अमेरिका जाके भी नहीं भूलते थे। तो उन्हें अब इतना खौफ नहीं खाना चाहिए, जेल में कुछ नहीं होता। और एक सियासी लीडर या कारकुन के लिए तो इतना खौफजदा होना जेल से, ये वैसे ही जो है ये बनता ही नहीं है। खुद को बचाने के लिए इमरान खान लगातार पैंतरेबाजी में जुटे हैं। जमा पार्क में पत्रकारों का जमावड़ा लगा है, घर के अंदर सैर सपाटा कराया जा रहा है, जिसका मिशन इमरान खान को बेगुनाह साबित कराना है। जिस वक्त हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे ऑपरेशन कुछ देर बाद जो है शुरू होना है और इमरान खान चेयरमैन तरीके इंसाफ ने तमाम मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, उनको अपने घर पे बुला लिया है। और बुलाने की वजह यह है कि पंजाब हुकूमत का कहना है कि 40 से 50 दहशतगर्द उनको मतलूब है, जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने यहाँ पर बुलाया है कि आप यहाँ पर आके देखें कौन दहशतगर्द मौजूद है। हम इस वक्त अब सहन में आ चुके हैं, ये इमरान खान की रिहाइशगाह है, बिल्कुल सामने जो है इस वक्त मरकजी गेट है। ये इमरान खान के इस्तेमाल की गाड़ियां हैं, वो गाड़ी है जिसमें इमरान खान सफ़र करते हैं, कभी पेशी वगैरह पे जाते हैं तो यहाँ पर होते हैं। ये जो इस वक्त कमरा है, यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं अपने सिविल कपड़ों में वो मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म भी थे, तो उनको यहाँ पर
सिक्योरिटी भी मिली हुई है। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि ये सब उनकी हत्या के लिए किया गया है और पाकिस्तानी आवाम से सपोर्ट मांग रहे हैं। अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर दो कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर दो हमले हो चुके हों और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। आतंकियों को पनाह देने वाले अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इनकी नौटंकियों का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल, इमरान खान दो मुकदमात के सिलसिले में आज इन सदाते दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे और 2 जून तक इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। इन सदाते दहशतगर्दी की अदालत से अब वो रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके वकला और जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर मौजूद है। तहम रफ्तार न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि उनके हौसले जवान हैं, वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाले कप्तान थे और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। हमने उनसे सवाल किया कि हाँ साहब, क्या आप डटकर खड़े हैं, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। अब जो है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं। तहम इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी उनका ये कहना था कि अगर सारे छोड़ जाएं तो वो फिर भी खड़े हैं। अपने ऊपर मुकदमात और जो सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उस हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह का पाकिस्तान में जंगल का कानून जो है वो नाफिज है और ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरी हुई है। तहम उनका रफ्तार न्यूज़ से गुफ्तगू में ये कहना है कि वो डटकर खड़े हैं, आखिरी गेंद तक लड़ने वाले कप्तान थे और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घर को जलने से बचाने की बजाय पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह अफगानी लोगों पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकियों को पैदा करता है और यही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं। ये गाड़ी जो है ना, ये इस मुल्क और कौम पे चढ़ानी चाहता था, तो इसने अपनी पार्टी पे चढ़ा दी। ये एक स्पेसिफिक माइंडसेट का टोला है, ये लोग बराह रास्त इसके साथ अटैच, ये पहले से इनकी रहती थी। जमान पाक में ये जो जाली प्रस्तर लगा के बैठा था ना, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन वाइज लोगों को बुलाया, एक स्पेसिफिक माइंडसेट तैयार किया गया और उनको टारगेट्स दिए गए, अपने गिरफ्तार होने को रेड लाइन करार दिया। लाहौर में उस कोर जथे को जिसकी तादाद तकरीबन 250-300 है, इसकी हिफाजत के लिए भी वही लोग मामूर थे, उनमें 90% अफगानी हैं, लोअर दीर के, मीरान शाह के, इस इलाके के लोग हैं। कुछ उनमें से भाग गए हैं, कुछ अभी भी इर्द गिर्द के घरों में 15-15, 20-20 करके उन्होंने बिठाए हुए। एविडेंस तो मौजूद है, कैबिनेट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वो फैसला करेंगे। वीडियोज मौजूद हैं जिसमें ऐसे लोग भी उस दिन जथे में शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद एक्शन होगा और होना चाहिए। पाकिस्तान में फिलहाल हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी लीडर अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। परेशान पाकिस्तान की आवाम हो रही है, जबकि फौज को किसी की परवाह नहीं। पाकिस्तानी आर्मी बदले की आग में जल रही है। पहले सड़कों पर लोगों को टारगेट किया और अब निशाने पर इमरान खान एंड कंपनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।